नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम टीवी खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो अपने कदमों पर भरोसा करते हैं, जो अपने कदमों पर भरोसा करते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। तो निश्चित रूप से ये महज कुछ लाइनें नहीं बल्कि वास्तविकता है जो एक शख्स पर निर्भर करती है, एक शख्स की शख्सियत को बताती है। और इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं नीलेश जवेरी जी का, जो कि माई बॉ ज्वेल्स LLP एक प्रसिद्ध आभूषण निर्माता कंपनी है, उसके संस्थापक हैं। और उन्होंने एक जौहरी होने के नाते, एक आभूषण निर्माता होने के नाते तमाम ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिनको लेकर आज लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार शुरुआत और संघर्ष के बाद एक अपनी जमीन बनाई और लगातार पूरे देश भर में उनके तमाम तरह के आउटलेट्स खुल रहे हैं। स्वागत करते नीलेश जावेरी का। नीलेश जावेरी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा कि नीलेश जावेरी है क्या? नीलेश जावेरी एक आप जैसे आम इंसान ही है। मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ, मेरी स्टडीज हिंदुजा कॉलेज में हुई। मेरे पिताजी डिवीजन मैनेजर थे ओलंपिक कंपनी फार्मास्यूटिकल में। जावेरी जो सरनेम है उसको जिंदा रखने के लिए मेरी एंटायर फैमिली, कोई जावेरी नहीं था, और उसको जिंदा रखने के लिए जवेरी में ज्वेलरी में आया। जवेरी जी, हर आदमी का एक शिक्षा होती है, दीक्षा होती है जी, और कोई नया व्यवसाय करने के लिए उसकी टेक्निकल तकनीकी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है जी। जी, तमाम तरह की आपने बातें बताई यहाँ पर, तो उसका तकनीकी ज्ञान की शुरुआत या शुरुआती शिक्षा की अगर बात करें तो कहाँ हुई और उससे जुड़ाव आपका, जो आपने जो संस्था स्थापित की है उसका कैसे हुआ? सर, ऐसा था कि मैं 1988 की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले डायमंड असॉर्टमेंट बोलते हैं हमारे बॉम्बे में, जो उसमें कुछ नंबर्स गिरते, पहले मैंने डायमंड का सीखा। ऐसे करते करते ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग करने के बाद मुझे ज्वेलरी का एक कुछ अलग से स्पार्क हुआ कि नहीं, मुझे कुछ ज्वेलरी इंडस्ट्री में आना चाहिए, तो थोड़ा गोल्ड का सीखा मैंने। और 1994 में मैंने अपनी कंपनी को इस्टाब्लिश की एज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बॉम्बे से। और उस वहाँ से मेरी दिमाग में पहले से एक था कि मुझे B2C करना है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर्स करना है, कि बहुत सारे कस्टमर्स के ज्वेलरी में उस जमाने में प्रॉब्लम्स आते हैं, आज भी ज्वेलरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 1994 से एज अ ज्वेलर। जर्नी स्टार्ट हुई एज ज्वेलर्स। हर यात्रा के बीच में संघर्ष आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, जा रहे आप, क्या चुनौतियां रही, उससे नीलेश जावेरी ने क्या सीखा और कैसे लड़ाई की और कैसे सफलता प्राप्त की? चुनौती हर बिजनेस में होती है। मैं इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूं कि थोड़ा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए इस चीज के बारे में, कि अभी कोई स्टेट्स के अंदर सब्सिडी है, कोई स्टेट्स में सब्सिडी नहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और मैं उस फ्लैशबैक में नहीं जाना चाहता हूं, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे जो वर्कर्स है, जो बंगाली वर्कर्स होते हैं, जो ज्वेलरी बनाते हैं, जिससे हमारा घर, सबका घर और आप लोग पहन के चमकते हो, उनके बारे में आज तक कोई सोच नहीं रहा है। तो वो मेरी हर बार प्रयास रहेगी कि उस ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो मेन कार्यकर्ता, जो कारीगर बोलते हैं हम लोग, जो वर्कर, उनके बारे में हम लोग कुछ मुहिम चला रहे हैं। और मैंने भी अभी लास्ट 15-12 साल से चलाई उनके एजुकेशन, उनका मेडिक्लेम, उनका शिक्षा, उनका घर, ये हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं उनके। जबरी जी, आपने बताया कि कारीगर महत्वपूर्ण होते हैं और आज के समय में जिस तरह की परिपाटी चल रही है जी हाँ, कि सीखने के बाद लोग चले भी जाते हैं, लगातार अनुसंधान चलते रहते हैं नए नए चीजों पर। इस दौरान क्या कुछ नई चीज आपने सीखी और क्या कुछ नई चीज एक आपने इवेंट की और जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चलती रही? मैं आपको एक बता दूं कि मैंने मोस्टली कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड मैंने देखा है, USA, अमेरिका, अब जो भी स्टेट्स बोलो, मैंने सब स्टडी भी किया मैंने। वहाँ पे एक 9 कैरेट एक गोल्ड है, जैसे हम हमारे भारत देश में कैसा होता है, जो पीला उसको सोना बोलते हैं जी। और एक दिमाग में एक भ्रम हो गया कि 22 कैरेट ही आपका इसका रीसेल है जी। अगर हम 22 कैरेट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कोई दागिना बनाते हैं, उसका रीसेल है, ये मुझे भ्रम तोड़ना था जी। और ये मैं बहुत हद तक तोड़ चुका हूँ इस इंडस्ट्री में जी। तो 9 कैरेट मैंने 2014 में लॉन्च किया। एक्चुअली ये 9 कैरेट वेरी फेमस
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, 70 से 80 साल। जी तो मैंने सोचा कि भारत देश क्यों पीछे इस चीज के अंदर, हम भी इतने टेक्नोलॉजी में आगे आ चुके हैं, तो हमको गवर्नमेंट का भी धीरे धीरे सपोर्ट आ रहा है टेक्नोलॉजी में, तो क्यों ना हम पीछे रहे। तो 2014 में मैंने 9 कैरेट लॉन्च किया और उस वक्त मैंने जी बिजनेस में, सीएनबीसी में भी मैंने क्या बोला था कि आने वाले 6 साल के बाद सोना 50,000 के ऊपर चला जाएगा। 2014 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि सोना 50,000 के ऊपर जाएगा, हर ज्वेलर को 9 कैरेट पे आना ही होगा। और आज मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि 2-3 ज्वेलर्स, बड़े बड़े ज्वेलर्स जैसे कॉर्पोरेट कंपनी के हैं, जैसे टनिक्स है, दूसरे और भी कॉर्पोरेट कंपनी, आज वो भी 9 कैरेट में आए मेरे 6 साल के बाद। क्या बात, बहुत अच्छी बात कही कि आपने इसको शुरुआत की, इसको आप ही किए। सबसे महत्वपूर्ण बात और कि 9 कैरेट आपने बताया, 9 कैरेट, जी जी जी, 22 कैरेट, 24 कैरेट, जी हाँ, डिफरेंस क्या है, क्या इनके जो आभूषण बनते हैं उनमें कोई डिफरेंस होता है क्वालिटी में? जी हाँ, बहुत फर्क होता है। 24 कैरेट प्योर बोला जाता है, 24 कैरेट उसकी कोई दागिना नहीं बनता है। जी, नीचे आता है 22 कैरेट जी, जिसकी हम लोग नॉर्मल अनस्टडेड बोलते हैं, जिसमें डायमंड नहीं लगता, उसकी ज्वेलरी बनती है। उसके बाद भारत देश में 18 कैरेट आया, क्योंकि डायमंड को पकड़ने के लिए हार्ड मेटल चाहिए, तो हम जितना सोना को हल्का करेंगे उतना परसेंट एलॉयज डालेंगे। अभी एक एलॉयज जो शब्द है वो पहले आज से 10 साल पहले नहीं था, हम चांदी और तांबा डालते थे और उसका सोने को हल्का करके दागिना बनाते थे। लोगों उस टाइम ज्वेलर्स इतने एजुकेट नहीं थे, क्योंकि उनको नहीं पता यहाँ पे मेटल जो होता है, जो सोना होता है ना, पानी, वेदर और अपने पसीने से खराब होता है। तो ये जो नया एलॉयज आया, जो 5 धातु को मिक्स के हम जो मिक्स करते हैं, तो हमारे कोई भी कैसे भी खराब पसीना हो या खराब वेदर हो या खराब पानी हो, उस आभूषण को इफेक्ट नहीं करता है। इसीलिए ये 9 कैरेट अभी धीरे धीरे, और प्राइस वाइज हम देखें, मान लीजिए कि आप एक लाख का कुछ बना रहे हो 18 कैरेट में, वही सेम चीज अगर आप 9 कैरेट में बनाते हो, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 1 लाख का सीधा हो जाता है 50 से 55 हजार रुपया। तो आप 40 से 45 तक का बचा सकते हो। तो ये 9 कैरेट की खूबी है और ये रीसेल है, सोना बहुगा, अच्छी क्वालिटी होगी जी, और पैसे की बचत भी, पैसे की बचत। हर आदमी के पास सोना खरीदने की क्षमता नहीं होती है, हर एक को ड्रीम होती है जी, बिल्कुल, कि मैं डायमंड की रिंग पहनू, डायमंड का पेंडेंट पहनू जी। तो हम सर 5,000 रुपए में रियल डायमंड विद लैब सर्टिफिकेट के साथ लेके आए। माय वाओ, जो आपकी कंपनी है, शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और फिलहाल कितने आउटलेट्स पूरे देश भर में है? जी, शुरुआत हुई 1994 से जी, और मैन्युफैक्चरिंग से मैंने शुरुआत की, फिर हमने बॉम्बे में, हमने चंदी रोड में एक आउटलेट खोला, दूसरा हमारा आउटलेट है पूना में, काफी बड़ा सुंदर शोरूम है। पूना का जो शोरूम का मैं वर्णन इसलिए करना चाहता हूँ, बहुत डिफरेंट बनाया है, क्योंकि ये टिपिकल ज्वेलरी शोरूम नहीं है, वेरी पर्सनलाइज टच शोरूम है, काफी इंटरेस्टिंग शोरूम है। और क्योंकि जब कस्टमर आते हैं ज्वेलर्स के दुकान में, तो उनका एक बजट होता है, माइंड सेट होता है कि मेरे ये बजट में मुझे बनाना या लेना है, तो वो बहुत सारे कस्टमर हिचकते हैं, शर्माते हैं अपनी बजट से। तो हमने इस टाइप का शोरूम बनाया कि कोई हमारे आने वाले कस्टमर शर्माए नहीं, पर्सनलाइज बात कर सकते हैं, उनके बजट को हम रिस्पेक्ट करेंगे और उस बजट में हम बना के देते हैं। 9 कैरेट में बनाए, जाहिर सी बात है जहाँ पर इतना समर्थन आपको मिल रहा होगा जी, तो कहीं इसका विरोध भी हो रहा होगा, तो विरोध को कैसे देखते हैं, और जो आपने चीजें उस समय ग्रहण की जी जी, उसके बारे में क्या? गौरव जी, मैं विरोध तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि माइनस पॉइंट है कि हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो ज्वेलर्स होते हैं वो कस्टमर को एजुकेट नहीं करते जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं सर, आप भी कोई ज्वेलर के पास पुराना सोना लेके जाते हो, वो घट लेते हैं 10% 50%, बिल्कुल वो घट आती नहीं है जी। वो चीज हम छाती ठोक ठोक के कस्टमर को समझा रहे कि सोना है, उसका हाथ पैर थोड़ी को निकल जाएगा जी। तो अगर आपका 10 तोला का कोई चेन है या हाफ सेट या कुछ भी हो, वो 10 तोले का पूरा भी ऐसे ही सोना रहता है। तो हम पहले ज्वेलर को साहस किया, बहुत हमने मेहनत की है कि ग्राहक को हम एजुकेट करते हैं कि अगर आप जो, क्योंकि उनका भी एक हार्ड मनी है, उनका मेहनत का पैसा है जी। तो हमारे भारत देश में कैसा था, ज्वेलरी आभूषण के हिसाब से पहना जाता है, पर सेकेंड थॉट क्या होता है, अगर कल उठ के मैं बुढ़ापा में मेरे बच्चे ने नहीं संभाला, या मुझे एजुकेशन के लिए या नया घर चाहिए, तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता सोना को बेचो और उस जो भी तकलीफ है उनकी पूरी करो। तो मैं सोचता हूँ कि सोना रियली बहुत कीमती धातु है, कीमती मेटल है,
और हमारे भारत देश में उसको बोलते हैं कहावत है, मरण में सोना और जन्म में भी सोना। क्या बात है तो सर अब बहुत सारे कस्टमर को हम एजुकेट कर चुके हैं जी। कि घट आता नहीं है, और अभी भगवान की वजह से हमने हॉलमार्क की बहुत साजिश की थी, क्योंकि मैं दुबई भी इतनी बार अप डाउन किया, वहाँ पे तो 40 साल से हॉलमार्क है। आज अभी मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ने जितना स्ट्रिक्ट लिया है, तो इस चीज़ में मैं रियल में आभार हूँ कि अभी हर कस्टमर निश्चिंत से किसी से भी ज्वेलर से सोना लेंगे, वो खात्री होगा कि ये 9 है या 14 कैरेट है या 18 या 22 कैरेट, वो हॉलमार्क होगा। नीलेश जवेरी खुद दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नीलेश जवेरी के प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरी प्रेरणा मेरे माँ बाप हैं, जो वेरी हॉनेस्ट, भले वो ज्वेलरी इंडस्ट्री से नहीं है, उन्होंने मुझे जो संस्कार दिया, आई थिंक मैं उस संस्कार के उनके कदों पे भी चल रहा हूँ। चूंकि आपके विचार ऐसे हैं, कहीं जगह ये भी लगता है कि समाज के हर वर्ग के लिए जी जी सोने को उपलब्ध कराना चाहते हैं। जी हाँ विचार आपका ये है, कहीं जगह यहाँ से अगर हम देखें तो समाज सेवा भी झलकती है। क्या करेक्ट समाज सेवा में कभी आने का मौका मिला या समाज सेवा की? जी हाँ, मेरा खुद का एक एसोसिएशन है, ज्वेल मेकर वेलफेयर एसोसिएशन, जी उसका फाउंडर मैं ही हूँ। हम लोग 5 डायमंड वाले हैं जो इस एसोसिएशन को चला रहे हैं, और इसमें हमने मोर देन 30 बंगाली फैमिलीज को एडोप्ट किया है, उनके जी शिक्षा, उनका एजुकेशन, उनके जो भी नीड है वो हम पूरा कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे इस एसोसिएशन के द्वारा। 9 कैरेट के आभूषण बनाते हैं, जी हाँ शुरुआत की, एस्टेब्लिश किया, जी लगातार बढ़ा रहा है, जी हाँ पर अभी भी आपने खुद स्वयं कहा कि लोगों को जानकारी नहीं है, करेक्ट जानकारी का अभाव है ग्राहकों के पास। करेक्ट भारत बहुत बड़ा देश है जी हाँ और इसमें 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, करेक्ट तो उन लोगों तक, गरीब वर्ग तक, कमजोर वर्ग तक और तमाम ऐसे ग्राहकों तक जिनको सोना जरूरी है, वो पहनना चाहते हैं, क्षमता नहीं है, उन तक 9 कैरेट की उपलब्धता, उसके आभूषण, उसकी अच्छाई, क्वालिटी के बारे में कैसे आप इस चीज मैसेज को पहुंचा रहे हैं? सबसे पहले मैं प्राइम टीवी को, जी ऐसा नहीं मैं आज प्राइम टीवी में बैठा हूँ, जी प्राइम टीवी को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ये उन्होंने साहस किया, क्योंकि बहुत सारे, नहीं नाम लेना चाहता हूँ, चैनल्स अपनी टीआरपी के लिए इस टाइप के मुहिम नहीं चलाते, जो आज प्राइम टीवी ने जो चलाया, तो मुझे लगता है आने वाले कहीं चैनल वाले इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, और हमारे जैसे व्यापारी जो 9 कैरेट की क्षमता रख रहे हैं और घर घर में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनका सपोर्ट हमको मिलेगा। नीरज जी, एक सवाल रहेगा, संघर्ष रहा, प्रेरणा सूत्र रहा, पारिवारिक दृष्टिकोण क्या रहा, पारिवारिक यहाँ पर सपोर्ट क्या रहा, क्योंकि जब भी कोई इंसान नया काम करता है तो उसमें पारिवारिक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, जी हाँ वो आपको कहाँ तक मिला जी? देखो, पारिवारिक फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बेटा कनाडा में रहता है, इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मैं घर में बहुत कम रहता हूँ, मेरा टूर का बहुत ज़्यादा काम है, अगर मेरी बच्चे और मेरी वाइफ मेरा घर नहीं संभालते, शायद मैं इतना आगे नहीं आता था। तो आई थिंक मतलब माई द क्रेडिट गोज टू माई वाइफ, जो उसने मुझे बहुत मेंटली और सपोर्ट किया है, तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। हर आदमी को सपने होते हैं, जी हाँ नीलेश जावरी जी सपने क्या है? सर, मेरा सपना है घर घर पे सोना का एक छोटा सा झाड़ उगाना है। सर मैं आपको एक पूछता था हूँ कि आपके जेब में 800 रुपया है, क्या आज के तारीख में 800 रुपया का 24 कैरेट का सोना आएगा? सर सर मैं लेके आया हूँ, क्या बात है, वो भी गोल्ड कॉइन के फॉर्म में, जी आज मेरे पास 24 कैरेट का सोना 800 रुपये से ले सकते हैं सर। तो मेरा सपना है कि एक आम आदमी जिसकी पगार 8 हजार से 12-15 हजार, आज उनके लिए रियल में एक सपना है सोना लेना, ड्रीम हो गया उनके लिए, तो मैं चाहता हूँ कि इस ड्रीम को वो फुलफिल करें, और इस सोने से बोलते हैं ना बूंद बूंद से सरोवर बनता है, तो वो अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग से वो ये सोना खरीद सकता है, ये मेरा बहुत ड्रीम है उनके लिए कि घर घर पे मुझे सोने का जाड़ उगाना है। मीडिया सशक्त माध्यम में अपनी बात कहने का, प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जी? जी, प्राइम टीवी के माध्यम से मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि, और जो भी मेरे व्यूअर्स है, प्राइम टीवी के व्यूअर्स है, वो इस चीज़ को खास ध्यान रखे कि 9 कैरेट फ्यूचर में इज अ रीसेलेबल। थैंक यू प्राइम टीवी, थैंक्स फॉर द गिव मी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू गिव एक्सप्रेस माई वर्ड्स। तो ये हमने मुलाकात की नीलेश जवेरी से। नीलेश जवेरी ने एक बार स्पष्ट की कि जो सोना है उसको परखना चाहिए, हर घर में सोना हो, हर आदमी में सोना हो, क्योंकि ये संपत्ति है जो बुढ़ापे में भी काम आती है। कहीं ना कहीं विचारधारा भी भारतीय समाज में है, पर जो वर्ग कमजोर है, जिनके पास पैसा नहीं है या क्षमतावान नहीं है,
उन तक सोना कैसा पहुंचे उसकी मुहिम नीलेश जबेरी ने चलाई है। एक कहावत है और एक टैगलाइन थी एक बड़ी कंपनी का, आया था सोना सबके लिए, और यहाँ पर नीलेश जबेरी बोलते हैं घर घर सोना सबके लिए, यानी इनकी जो मुहिम है वो मुहिम 9 कैरेट को पहुंचाना है, कम क्षमता में कम पैसे में सोना सबके लिए मुहैया कराना है। और कहीं ना कहीं ये उन वर्गों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है जो वर्ग अधिक रुपए या कीमत होने के कारण सोने के आभूषणों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। बेहतर शुरुआत, बेहतर पहुंच और बेहतर मुहिम जो लड़के आता है कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प रूप में सामने आता है, क्योंकि ये बात बहुत कही गई है कि जब इंसान अकेला चलता है तो वो इतिहास रचता है। जो चला है राह अकेले सारा जग उस पर जरूर हंसा है, पर इतिहास भी गवाह है उसी ने इतिहास रचा है। तो आज की शख्सियत में इतना ही, नमस्कार। Thank you.